हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम महेश भास्कर है। अभी जो क्लास होगी इसमें अपन डिस्कस करेंगे कि नगर पालिका एक्ट में जो अनुसूचियां दी हुई हैं इसे संबंधित शायद दो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं। उन अनुसूचियों में बेसिकली उनकी विषय वस्तु क्या है और वो कौन सी धाराओं से जुड़ी हुई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अपन ने जब डिस्कस किया था फर्स्ट ही क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि नगर पालिका एक्ट 2009 है। इस 2009 में कुछ अनुसूचियां हैं, कुछ भाग हैं और कुछ इसमें धाराएं हैं। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो मैंने आपको बताया था नगर पालिका एक्ट में जो पार्ट है, जो भाग है, इसको आप अध्याय बोल सकते हैं। जो अध्याय हैं उनकी संख्या 17 है, मतलब 17 है। फिर आपको बात याद कराई थी कि जो शेड्यूल्स हैं, अनुसूचियां हैं, एक बार आप अध्याय याद कर लेंगे तो आप फिर छक्के लगाएंगे। तो अनुसूचियों की संख्या 6 है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें जो धाराओं की संख्या है, सेक्शंस जो बटे हुए हैं, उनकी संख्या 3-4 है। तो 3-4 के साथ में एक 4 और लगा दीजिए, इसका मतलब 3-4-4। क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाए, नगर पालिका एक्ट 2009 में भाग 17, अनुसूचियां 6 और धाराएं 3-4-4, 344 धाराएं हैं। इस वाले सेक्शन को तो अपन कर ही रहे हैं, दो तीन क्लासे और बची हुई हैं, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी एक स्पेशल क्लास अपन अनुसूचियों पर कर लेते हैं। अभी करने का पर्पज ये था कि मैंने इस वाले पार्ट में जो अनुसूचियां धाराओं में आएंगी लगभग अपने पूरा पढ़ लिया है, इसलिए शेड्यूल सब डिस्कस करेंगे तो आपकी आसानी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन ये आएगा, अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 6। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अनुसूची फर्स्ट का संबंध किससे है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आप एक साइड में लिखेंगे अनुसूची, इसकी विषय वस्तु क्या है और कौन सी धारा से इसका संबंध है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अनुसूची जो फर्स्ट है इसका जो बेसिकली संबंध है वो धारा 108 से है। आपको याद रखना है 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, उससे रिलेट करके याद रखो। तो एक का संबंध 108 से है, एक का संबंध 108 की धारा से है और इसकी विषय वस्तु है वो कर अधिरोपण से पूर्व प्रक्रिया। लिखिए आप इसको, कर अधिरोपण से पूर्व प्रक्रिया। इसका मतलब यह है कि नगर पालिका जब भी टैक्स इंपोज करेगी, जब भी टैक्स इंपोज किया जाता है उससे पहले प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो ये प्री प्रोसीजर है कि क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। डिटेल में बात अपन ने धारा 108 में करी थी कि किस प्रकार से कर का अधिरोपण किया जाता है, कर अधिरोपण के लिए पूर्व प्रक्रिया क्या होगी, कर निर्धारकों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, करों में सुधार किसके द्वारा किया जाता है, ये सारी बात अपन ने धाराओं में कर ली है। पर अभी आप कितना याद रखेंगे, अनुसूची फर्स्ट का जो संबंध है वो धारा 108 से है और इसमें क्या लिखा हुआ, कर अधिरोपण से पूर्व की प्रक्रिया, प्री प्रोसीजर है। कोई टैक्स आप इंपोज करेंगे तो उससे पहले का, तो क्या याद रखेंगे, धारा 1 का संबंध 108 से और टैक्स की बात है। तो टैक्स में भी आप ऐसे एक डंडा लगा के टैक्स लिखेंगे, 108 में आप एक लगा के फिर 08 लिखेंगे और एक का संबंध तो एक का है। तो तीन बातें आपको यहां याद करनी है, धारा नंबर 1 का जो संबंध है वो किससे है, टैक्स से है। उसके बाद में आपको ध्यान रखेंगे कि इसका संबंध 108 की धारा से और अनुसूची फर्स्ट से है। इसके बाद में दूसरी और तीसरी जो अनुसूची है उसको एक साथ अपन याद करेंगे। तो आप लिखिए अनुसूची 2 एंड 3, अनुसूची 2+3, इसकी विषय वस्तु क्या है और धारा कौन सी है। तो आपको पता है कि वो एक बहुत फेमस बोलते हैं, तीन तिगाड़ा होता है काम बिगाड़ देता, काम बिगाड़ा होता है, वैसे ही दो तीन लोग आ रहे हैं तो खतरा होगा। अब खतरा होगा तो मतलब दो साथ में आ रहा है तो 117। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि 2 और 3 अनुसूचियों का संबंध कौन सी धारा से है, तो धारा 117 से है। और इसमें आपको याद रखना है कि पहले बेसिक समझा देता हूं, अगर यहाँ पे नगर पालिका में कोई खाली जमीन पड़ी हुई है उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग का निर्माण करना चाहता है या कोई भवन का निर्माण करना चाहता है या पहले से बना हुआ भवन है उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो इसका मतलब वो जब भी निर्माण कर लेगा तो खाली जमीन पे तो नगर पालिका हो सकता है टैक्स नहीं ले, पर अब कमर्शियल बिल्डिंग बनाई है तो नगर पालिका टैक्स भी ले सकता है। तो अब नगर पालिका को सपना नहीं आएगा, ये व्यक्ति खुद जाके नगर पालिका को कहेगा कि सर मैंने बिल्डिंग बनाई है, आप तो बिल्डिंग बनाने की सूचना देगा। फिर आप इन धाराओं में मैंने आपको बताया था कि सूचना किस प्रारूप में दी जाएगी, सूचना नहीं दी जाती है तो क्या किया जाएगा। तो बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर भवन का निर्माण करता है, भवन निर्माण
या पुनर्निर्माण करता है तो इसकी सूचना किसको दी जाएगी, सूचना नगरपालिका को दी जाएगी। और उस सूचना से संबंधित जो प्रारूप 118 में लिखा हुआ है, पर सूचना फॉर्मेट दूसरी तीसरी अनुसूची याद रखनी है, और धारा 117 बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुसूची दो और तीन का संबंध किससे है, तो आप ध्यान रखेंगे धारा 117 से संबंध दूसरी तीसरी अनुसूची का। इसके बाद तीन धारा तीन अनुसूचियां और याद करनी है, चौथी पांचवी और छह नंबर की, ये काफी आसान याद हो जाएगा। इसके बाद में अनुसूची चार याद करते हैं, अनुसूची चार आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि पहले बिल बनाया जाएगा, उसके बाद में मांग का नोटिस होगा, उसके बाद में वारंट होगा, अगर आप कुछ याद कर रहे हैं तो। ये बेसिकली जो शेड्यूल चार है ये बिल के भुगतान की राशि की बात करता है, कि जब आपको 130 की धारा में बताया था कि मैंने कि बिल होगा, बिल का भुगतान अगर 15 दिन में नहीं किया जाएगा तो फिर मांग का नोटिस निकलेगा, तो मांग का नोटिस धारा कौन सी हो जाएगी, इस संबंधित कुछ याद आ रहा है तो धारा 130, और 130 की विषय वस्तु क्या है, मांग का नोटिस। देखो मांग में जीरो आ रहा है, मांग में, और इधर भी जीरो आ रहा है, मांग का नोटिस, समझ में आ गया। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि शेड्यूल फोर का संबंध कौन सी अनुसूची से है, तीन और एक मिलकर कितने होते हैं, वैसे जीरो का कोई महत्व इधर रहेगा नहीं, तो तीन और मिलकर चार होते हैं, और चार अनुसूची का संबंध किससे है, 130 से है। याद कीजिए दूसरी तीसरी दो साथ आ रहे हैं तो काम खराब कर देंगे, खतरा कर देंगे, तो 117 पे है, और एक में एक आ रहा तो 108 का संबंध पहली शेड्यूल से हो गया। अब अपन दो धारा दो अनुसूचियां और याद करनी है, नंबर पांच की और नंबर छह की। पांच की है उसका संबंध 131 से है, याद रखेंगे तो अब लगातार चलेगा अनुसूची पांच, पांच का संबंध कौन सी धारा से हो जाएगा, 131 से, और यहां पे कि वारंट जारी होगा। अब आप मांग का नोटिस जारी किया, बिल भुगतान नहीं किया, तो वारंट जारी किया जाएगा, वारंट, तो आप इतना याद रख लेंगे वारंट से संबंधित कौन सी शेड्यूल है, पांचवी धारा कौन सी होगी, 131 की। अब इसके बाद 132 अपन यहां पे छोड़ेंगे, बलपूर्व प्रवेश की बात करता है। वारंट निष्पादन का जो तरीका है वो छह में लिखा हुआ है, तो शेड्यूल छह और यहां पे लिखा हुआ है धारा कौन सी हो जाएगी। मैंने छुड़वाया था आपको 132 से पढ़ाया था, ये बलपूर्व प्रवेश है, 133 में वारंट निष्पादन कैसे होगा, वारंट निष्पादन, वारंट निष्पादन की क्या प्रक्रिया है, की रीति याद करेंगे। चार का संबंध 130 से है, पांच का संबंध तीन और दो मिलकर, वैसे पांच होते हैं, पांच का संबंध 131 से है, और छह का संबंध किससे हो गया, 133 से। इसका मतलब एक बात आपको समझ में आ रही है कि 101 से लेकर 140 तक जो धाराएं अपन ने डिस्कस करी थी, रेवेन्यू से संबंधित जो बातें अपन ने करी थी, उसी में सारी अनुसूची आ गई। वापस से रिकॉल कर लेते हैं एक बार, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है शेड्यूल फर्स्ट के बारे में, याद कीजिए अनुसूची एक, एक में क्या आ रहा है, एक डंडा आ रहा है, और टैक्स से संबंधित है, पहली शुरू से टैक्स से ही शुरुआत करेंगे, टैक्स से संबंधित है, धारा 108 हो गई, क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या पूछेगा परीक्षा में, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, धारा एक सामने अनुच्छेद लिख देगा, धारा दो सामने अनुच्छेद लिख देगा, या तो इसको सुमेलित करवाने वाला क्वेश्चन पूछेगा, या धारा पांच का संबंध किससे बताया गया है, तो अब पांच का संबंध है, वैसे वारंट जारी करते हैं तो थप्पड़ मारते हैं, पांच का संबंध वारंट से है, और छह का फिर थोड़ा उसको पुचकारते हैं कि लग गई तो नहीं ज्यादा, इसका मतलब वारंट का निष्पादन की क्या रीति होगी, वो बात लिखी गई है छह में, समझ में आ गई बात। अब मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, सबसे पहले अनुसूची एक, देखिए 8-9 मिनट 10 मिनट की क्लास में आपके ये दो नंबर शायद हो जाएंगे पक्के, तो आप याद कीजिए अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट का संबंध किससे है, टैक्स से संबंध है, धारा कौन सी होगी, 108, धारा दो और तीन दोनों जुड़ी हुई है तो दो तीन साथ आ जाएगी तो खतरा पैदा हो जाएगा, तो 117 में है, और आपको बताया कि भवन आदि के निर्माण की सूचना नगरपालिका को देनी पड़ेगी। इसके बाद में धारा चार, मांग का नोटिस, मांग में जीरो आ रहा ऊपर, इधर 130 में जीरो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में वारंट पांचवी से संबंधित है, मैंने आपको बताया थप्पड़ लगेगी, और इसके संबंधित 131 की धारा हो गई, और अंतिम जो अनुसूची है अनुसूची छह, उसमें आपको बताया गया कि वारंट का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा, ये वारंट निष्पादन के लिए 6 की शेड्यूल है, समझ में आ गया। ये आपकी अनुसूचियां पूरी हो गई, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी सर अनुसूचियां भी याद करवा दो साथ में, मैं इसलिए रुक रहा था कि आपको एक बार ये अध्याय कंप्लीट करवा दूं, उसके बाद में अनुसूची याद कराऊंगा, ये मैंने साइंटिफिकली सोचा था कि आपको इस प्रकार से याद करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो पेड कोर्स के लिए आप लोगों ने सूचना पूछी थी वो इसी वीक में अपन शुरू कर देंगे, लिमिटेड बच्चे उसमें एनरोल हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो जाएं,
और उनको साइंटिफिक मेथड से पूरा एक्ट याद करवाया जाए, उसको पढ़ाना, स्लाइड लगा के पढ़ा देना वो थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं होता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है याद करने में, तो इसके लिए मैं साइंटिफिक तरीके से आपको याद करवाऊंगा। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, दो तीन क्लासे और उसके बाद में एक्ट वाला और लॉ वाला कंप्लीट आपके हो जाएगा, फिर अपन पेड कोर्स का और जो एक एडवांस कोर्स अपन शुरू कर रहे हैं उसकी बात अपन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।